जोहार, मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ जनमन की बात में हैं। दोस्तों, 17 अगस्त को डुमरी उपचुनाव के लिए राज्य सरकार की मंत्री बेबी देवी के नामांकन के अवसर पर डुमरी में सभा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार, क्या बात करते, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? झारखंड का आदमी जेल जाने से डरता है क्या? आज बीजेपी के सांसद, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री को क्या कहा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे भी निशिकांत दुबे अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं और पहले से ही काफी लंबे समय से हेमंत सोरेन से उनकी जो नूरा कुश्ती चलती है, वाक युद्ध चलता है, वो जगजाहिर है। और पहले भी वे ट्विटर पर मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारी चीजें कहते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने उड़ैया हाट विधानसभा में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि भाग हेमंत भाग। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा परिवार जेल जाएगा। और उन्होंने पुड़ैया हाट के विधायक जो कांग्रेस में चले गए, जेवीएम में हुआ करते थे, उसके पहले बीजेपी में हुआ करते थे, मंत्री भी थे राज्य सरकार के, प्रदीप यादव को भी चेतावनी दी सिटी विधायक कह के कि वो भी जेल जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हाजी हुसैन अंसारी के अगर बेटे ना होते हफीजुल हसन तो वे मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पाते और अगले चुनाव में वे कम से कम 25,000 वोटों से चुनाव हारेंगे। तो ये सब बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर विधानसभा के चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत विवादास्पद भाषण है निशिकांत दुबे का, तो आइए आपको दिखाता हूँ निशिकांत दुबे का वो वीडियो जिसमें वे हेमंत सोरेन, प्रदीप यादव और बाकी लोगों के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। आज मैं पुड़ैया हाट में आपको कह रहा हूँ, भाग सिटी भाग, जितनी ताकत है तू भाग, तू जेल जाएगा और मैं तुझे जेल भेजूंगा। सिटी तुम में हिम्मत नहीं है, तुम छुप कर बार करते हो, तुम सियार हो। मैं मर्द हूँ, गंगा किनारे का बेटा हूँ और मैं तुमको पंकज मिश्रा की तरह, मैं पंकज मिश्रा को, आपको ध्यान हो कि मुख्यमंत्री का जो महासचिव था, जो एडवाइजर था, जो प्रतिनिधि था, उसने कहा कि मैं सीबीआई से नहीं डरता, ईडी से नहीं डरता, कौन क्या कर लेगा। आपको ध्यान हो मैंने उस दिन कहा था कि भाग पंकज भाग, जितना भाग सकते हो भाग लो। आज मैं पुड़ैया हाट में आपको कह रहा हूँ, भाग सिटी भाग, जितनी ताकत है तू भाग, तू जेल जाएगा और मैं तुझे जेल भेजूंगा। और दूसरा, जिसके संरक्षण में वो पल रहा है, इतनी नीचता है उस आदमी में कि आज माननीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम था, बाबूलाल मरांडी जी नहीं होते तो प्रदीप यादव का सीटी का कोई अस्तित्व नहीं था। टिकट इन्होंने दिया, मंत्री इन्होंने बनाया, अपने पूरे पार्टी की बागडोर उसको दे दी, लेकिन आज उसने मंत्री को बुला लिया हफीजुल अंसारी को कि वो जो है इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेगा। और आज जिस आदमी ने तुमको पैदा किया बढ़ाया उसके लिए तुम हफीजुल अंसारी को बुला लिया, किसके लिए? पत्रकारों के लिए। अरे पत्रकार हफीजुल का चेहरा देख के क्या करेगा? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए बच्चों को देखकर क्या करेगा? यदि हाजी हुसैन अंसारी का बेटा नहीं होता तो एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता था। और मैं दावा करता हूं कि मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी वो कम से कम 25,000 वोट से जीतेगा। हफीजुल अंसारी की जमानत जब्त होगी। आप उसको बुलाकर चाहते हो कि हम बाबूलाल जी का ये कर दें? लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है और जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मैं ईडी से नहीं डरता, सीबीआई से नहीं डरता, मैं जो सिटी विधायक के लिए कहा वही मैं पुड़ैया हाट के मंच पर हेमंत सोरेन के लिए कह देता हूं कि जैसे मैंने पंकज को कहा कि भाग पंकज भाग, वैसे मैं कह रहा हूं कि भाग हेमंत भाग, झारखंड भाग, तू भी अंदर जाएगा, पूरा परिवार भी अंदर जाएगा,
मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बाबूलाल जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इस 18 की 18 विधानसभा को हम संथाल परगना से जीतकर भाजपा की झोली में देंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, और जितने लोग हैं जितना भगा सकते हो भाग, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।